जी वेलकम टू द चैनल टेक्नोलॉजी गुरु। चैनल का नाम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी गुरु पे चला गया, क्योंकि अब आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू पैसा कमाना मैंने सिखाना है। क्रिप्टो के कोर्स के बाद हम लोग जाएंगे द्रास की तरफ, द्रास के ऊपर अकाउंट, सेलर अकाउंट कैसे बनता है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, और हम वहाँ पर सेल करके किस तरह बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और एज हम वर्चुअल असिस्टेंट भी जॉब कर सकते हैं, मतलब बिजनेस कोई और करेगा, पैसा आप कमाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है इथेरियम माइनिंग के ऊपर, जीपीयू माइनिंग क्या होती है, ईटैश एल्गोरिथम है, हम माइनिंग रिग कैसे बनाते हैं, ये सारे के सारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। हम सबसे पहले तो आपको जीपीयू कार्ड्स की ज़रूरत होती है, ग्राफिक कार्ड्स की, जिससे आप इथेरियम, बीटीसी और ये जो हैं सारे के सारे हैं एल्गोरिदम्स। काओपाओ एक एल्गोरिदम है, ईटैश एक है जो इथेरियम को बनाता है, बीटीसी के लिए अलग एल्गोरिदम यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो जो है आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, सिंपल लैपटॉप भी कोई हो जिसमें कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाओ, मिनिमम 4 GB, ठीक है। उसके अंदर हम एक माइनर इंस्टॉल करेंगे। माइनर किस तरह इंस्टॉल करना है मैं आपको सारे का सारा दिखाता हूँ। चलते हैं हम अपने क्रोम के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है सबसे पहले अपना बैलेंस लॉगिन कर लेना है, क्योंकि माइन होके जो इथेरियम माइन होगा आपके लैपटॉप से वो आएगा आपके बैलेंस के अकाउंट में। आप लोग मेटामास्क में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बैलेंस को करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से एक्सचेंज में हम सील कर सकते हैं। तो आपने आना है गूगल पे, तो यहाँ आपने लिखना है फोनेक्स माइनर, एंटर करेंगे तो ये जो आ गया है इसके अंदर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड से यहाँ डाउनलोड नाउ विंडोज 64। ये जो फोनेक्स माइनर है ये स्पेशली विंडोज़ जो हैं और कम इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं जो एक दो कार्ड लगाकर अपना विंडोज़ के ऊपर माइनिंग सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। ये जो हमारे पास फोनेक्स माइनर है जिनके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10-10 कार्ड हैं, उनके लिए फिर जो है वो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम कहते हैं हाइव ओएस, या और भी बहुत सारे जो हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं माइनिंग, जिससे हम माइनिंग करते हैं। सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ना ये शो होने लग जाएगा सामने। तो ये फाइल जो खुली है तो आपने जो इसमें जिप वाली फाइल है ये वाली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है, ठीक है। आप इसको यूँ करेंगे शो इन फोल्डर, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ के इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपके सामने जो है इस तरह का ये खुल जाएगा पूरे का पूरा। अब आपने करना है ये, आपने फोनेक्स माइनर तो डाउनलोड कर लिया है, अब हमने एक इसको एक पूल की तरफ लेके जाना है, पूल जो आपको पैसे पे करता है। यहाँ से आपके पीसी से माइन होके वो जाएगा पूल पे, तो वो पूल जो है हम यूज़ करेंगे, जो मैं यूज़ करता हूँ ethermine.org, एंटर दबाएंगे, ये है जी आपका पूल आ गया, ठीक है। आपने जो है नेक्स्ट स्टेप ये करना है, आपने अपने बैलेंस में जाना है, वॉलेट में जाना है, अपने स्पॉट के वॉलेट में जाना है। अब आपको कोई एक एड्रेस तो होगा ना जिसमें आपने ये माइनिंग जो है होगी वो आपके किसी एड्रेस में जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ सर्च कर लेना है इथेरियम, यहाँ से आपने इसका डिपॉजिट, मतलब हमने इसमें डिपॉजिट करने हैं आपके बैलेंस वाले अकाउंट में, तो डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। इथेरियम का यह है सिलेक्ट, यहाँ से हम करेंगे ERC20 इथेरियम का ये एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हमने जाना है वापस अपने फोनेक्स माइनर में। फोनेक्स माइनर में यहाँ पूल आ रहे हैं, नैनो पूल भी है, माइनिंग पूल भी है, तो यहाँ हम देखेंगे इथरमाइन पूल की तरह, जो हमने पूल ये सर्च किया ना यहाँ पे, ये वाला इथरमाइन पूल जो है उस फाइल फोल्डर जो है फोनेक्स माइनर का, इसके अंदर तो ये 5वें नंबर पे इथरमाइन है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे इस पर और एडिट पे क्लिक करेंगे। जो हमने बाइनेंस से ये कॉपी किया है अपना एड्रेस, इसको यहाँ से क्लिक टू कॉपी हो गया। अब हम जाएंगे फोनेक्स माइनर में, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाइल खुल जाएगी। ये आपने कुछ भी नहीं करना, कोई पंगा नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सिंपली इतना जो ये वॉलेट एड्रेस है आपने यहाँ पर आपने अपना वर्ल्ड वाला ट्रेस्ट कर जहाँ पे पेस्ट कर देना। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे तो ये आपका वाला ट्रेस आ गया। ये ख्याल रखना है आपने सिर्फ ये ब्रैकेट्स को, और ब्रैकेट्स कह रहा हूँ ये स्पेसेस जो है ना ये ऐसे ही रहने देनी है। इसको आप करेंगे यहाँ से फाइल को सेव, ठीक है, ये कर देंगे आप यहाँ से बंद। अब
अब क्या करना है जी, अब हमने अपनी माइनिंग स्टार्ट करनी है, तो सिंपली डबल क्लिक कर देंगे इसी एथरमाइन वाले पोल के ऊपर। वो कह रहा है नो सूडा ड्राइवर, वो सर चेक कर रहा है, सब कुछ चेक कर रहा है। अब वो मुझे ये कह रहा है कि आपके पास, मेरे पास सिंपल सा भी लैपटॉप है, उसके अंदर वो कह रहा है आपके पास 530 जो है ना एक लगा हुआ है, लोडिंग पूल फ्रॉम epsol.exe, ये सारी बातें लिखी आ रही हैं, ये अपने काम की नहीं है। स्टार्ट GPU माइनिंग वगैरह, वन ड्राइव नॉट सपोर्टेड ऑन GPU, अडेप्ट इंडेक्स नॉट फाउंड ऑन GPU, कुड नॉट कनेक्ट द इथेरियम पूल कनेक्शन एंड फेल्ड टू बिकॉज द कनेक्टेड पार्टी। अच्छा, ये इसलिए कनेक्टिंग करा क्योंकि मेरे पास है 2 GB का, 2 GB जो है ना बहुत कम होता है माइनिंग के लिए। तो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपको मिनिमम जो है मिनिमम 4 GB जो है ग्राफिक कार्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें इसको। अच्छा, जैसे आप ये कर लेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड 5 मिनट 0.00 MHz, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन वो मज़ा चस नहीं आ रही क्योंकि 2 GB बहुत कम होता है, 2 GB जो होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना टास्क मैनेजर, और यहाँ पे हम जाएंगे परफॉर्मेंस में, ये मेरे पर एडॉन 530 DM लगा हुआ है, ठीक हो गया, 2 GB डेडिकेटेड है इसलिए चस नहीं आ रही। वो करता तो है लेकिन वो बीच में छोड़ जाता है। ये देखें, ये भी रिट्राई कर रहा है क्योंकि वो है ही नहीं सही वाला ग्राफिक कार्ड। अच्छा, जब ये आप लोगों को हो जाएगा, ये वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपने फिर सिंपली इसको नीचे कर देना है और आपने वापस जाना है अपने इथर माइन वाले इसके ऊपर। यहाँ पे आपने माइन एड्रेस पे अपना वही वाला ही एड्रेस जो बाइनेंस का पेस्ट करना है, स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करनी है, ठीक है। तो 5 या 10 मिनट के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सारा शो होने लग जाएगा कि आपका कौन सा सर्वर है, कहाँ सा है, कहाँ का नहीं। तो चूज़ योर माइनिंग सर्वर एशिया यूरोप, 5-1 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे आपका सारा शो होने लग जाता है। उसके बाद आप यहीं से जो है अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं और यहीं पे आपको अर्निंग आएगी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका इधर ही शो होगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन बंदे जो हैं, कितना कितना अपना, जैसे ये एक है, ये अभी 1 मिनट पहले ऑन था, इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये शो कर रहा है। इसके बाद एक वर्कर है, 59 MHz इसके पास आ रहे हैं, मे भी कोई एक कार्ड लगाओ इसके पास। इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग 0.0086 है, अनपेड बैलेंस इतना है, ठीक है। सेटिंग में जाके जो है आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जैसे माइनर बंद होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका माइनर बंद है, ठीक है। पे आउट्स की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे ये पे आउट हुआ है 0:35 hours ago, ये डैशबोर्ड है आपका, सारे का सारा इस पर चीज़ें आएंगी। तो ये अच्छा, दूसरी आखिरी बात ये है कि ये जो है ना सॉफ्टवेयर, ये आपने इसको ऑफ़ नहीं करना, इसको आपने ऑन रखना है। अगर इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो आपकी माइनिंग बंद हो जाएगी। इसके लिए हल्का सा इंटरनेट जो है ना ज़रूरत होती है, इसके लिए हल्के से इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बड़े इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा आपके पास इंटरनेट हो उससे ये काम शुरू कर देता होता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। कल हम जो है पढ़ेंगे कौन से ग्राफिक कार्ड कितने मेगा हैचेस देते हैं और कितना प्रॉफिट हमें उन ग्राफिक कार्ड्स पे हो जाता है, ठीक है। हम कौन सा ग्राफिक कार्ड आज के दौर में बाय करें जो अच्छा, मतलब हमें अच्छे पे बैक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।